एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस मिसाइल की रेंज है 5,000 किलोमीटर। 23 सितंबर को इस मिसाइल का ओपन टेस्ट होने जा रहा है और फिर से भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस ओपन टेस्ट की वजह से चीन खौफ में है और इसकी तीन वजह हैं। पहली वजह यह कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। दूसरी वजह यह कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा। और तीसरी वजह यह कि यह अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। तो भारत के इस ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली अग्नि 5 मिसाइल की ताकत क्या है? ये भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएक्टिव व्हीकल यानी MIRV से लेस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। अपने साथ 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। इसकी स्पीड Mach 24 है, यानी आवाज की स्पीड से भी 24 गुना ज्यादा। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से इसे कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी बेहद आसान है, इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। अब बात इस मिसाइल के इतिहास की। ये अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में इसका पहला टेस्ट किया गया था जो सफल रहा। जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया। फिर 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया। अब तक इस मिसाइल के 7 टेस्ट किए जा चुके हैं और सभी सफल रहे हैं। वैसे साल 2020 में अग्नि 5 को सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हुई। अब मिसाइल लॉन्च हो और पड़ोसी मुल्कों की कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके टेस्ट को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। चीन UNSC के जिस प्रस्ताव की बात कर रहा है वो जून 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद लागू किया गया था। इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की ओर से परमाणु कार्यक्रम को बंद करने, किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं करने और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह किया गया था। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 23 सितंबर को ओपन टेस्ट के बाद अग्नि 5 को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा और रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया के साथ साथ अब भारत भी दुनिया के उन एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कुल मिलाकर अग्नि 5 युद्ध में विजय दिलाने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र है। तो ऐसे